आज हम बना रहे हैं काफी हेल्दी रेसिपी ज्वार उपमा। ज्वार वर्ल्ड के हेल्दी ग्रेन्स में से एक है। इसको बनाने के लिए आपने इसको रात को भिगो देना है या कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए भिगो देना है। जब भी हम मिलेट्स को कुक करते हैं तो उनको 5 से 6 घंटे भिगो दें, क्योंकि जब हम उसे भिगोते हैं तो उसकी हार्ड फाइबर ब्रेक हो जाती है और उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ती है, जिससे हमारी बॉडी में उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। उसके बाद आप उस पानी को अपने पौधों में डाल सकते हैं, पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छा है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से उबालना है। अगर आप कुकर में उबालोगे तो उसमें 4 सीटी आने तक पकाना है। अगर आप इसे किसी और बर्तन में बना रहे हो तो जब तक बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसे पकाना है आपने। उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ सब्जियाँ। सब्जियों में मैंने लिया प्याज, शिमला मिर्च और मटर। अगर मेरे पास बीन्स और गाजर होती तो मैं वो भी डालता। और आपने इसमें टमाटर ही नहीं डालने, टमाटर का टेस्ट इसमें अच्छा नहीं आता। और उसके साथ ही मैंने लिया है बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 3-4 चम्मच मूंगफली, बिल्कुल थोड़ी हींग और 10-12 कड़ी पत्ते, 2 चम्मच चना दाल, 2 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच सरसों। इसमें कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, अगर हो सके तो इसको स्किप ना करें। इसको बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डालें आप 3-4 छोटे चम्मच घी या ऑयल। वैसे घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपनी दालें, कड़ी पत्ता और सरसों, क्योंकि दालें कच्ची हैं, इसको पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इसको आप स्लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए पका लें। दालें हमारी पक चुकी हैं, आप इसमें डालेंगे अपनी पीनट्स। पीनट्स को मैंने थोड़ा वैसे ड्राई रोस्ट कर रखा है। अगर आपकी बिल्कुल कच्ची पीनट्स हो तो आप इसको भी स्टार्टिंग में ही डालें। अगर आपको पीनट्स पसंद ना हो तो आप इसकी जगह काजू बादाम कुछ भी डाल दें। पीनट्स को भी पहले थोड़ा पका लें, क्योंकि ये फिर सब्जियों के साथ पकेंगी नहीं। पीनट्स पक चुकी हैं, अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को थोड़ा सा पका लेंगे, उसके बाद हम डालेंगे अपनी सारी सब्जियां। इसमें आपने सारी सब्जियां एक साथ ही डालनी है। मटर को मैंने पहले ही थोड़ा उबाल रखा है, आप भी पहले थोड़ा उबाल के ही डालना, नहीं तो फिर वो पकेंगे नहीं अच्छी तरह। यहीं पर हम डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यहाँ पर मैंने वाइट नमक डाले, वाइट नमक आपने थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि लास्ट में हम काला नमक भी डालेंगे। और थोड़ी सी डालनी है आपने हींग। उसके बाद आपने सब्जियों को 3-4 मिनट सॉफ्ट होने तक पकाना है। अब इसमें डाल लेंगे थोड़ी काली मिर्चें और ऐड कर देंगे हमारे उबले हुए ज्वार। इसको जब भी बनाएं आप एक साइड पे इसको उबलना रख दें और दूसरी साइड सब्जियां बना लें, ताकि आपका थोड़ा टाइम बच जाए। इसको भी आपने 2-3 मिनट पकाना है। और उसके बाद आपने इसमें डालना है काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। काले नमक से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और लास्ट में आपने इसमें डालना है नींबू, और ये गरम गरम ही अच्छा लगता है, इसको साथ के साथ ही खा लें। अगर आपको इसको काफ़ी देर तक रखना है तो इसमें नींबू ना डालें, नींबू खाते वक्त डालें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें।